14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे पर पूरा शहर एक और अपने प्रेमी प्रेमियों के साथ वैलेंटाइन डे मना रहा था, तभी धनवार शहर में एक प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर शादी कर ली। शादी के लिए महिला थाना पहुंच गए। इसी बीच लड़का लड़की ने परिवार को भनक लग गई। वह लोग भी महिला थाना पहुंचे। थाना पहुंचने के बाद दोनों परिवार में पहले बीच कहा सुनी हुई, फिर समझौता भी हुआ। इसके बाद महिला थाना परिषद के शिव मंदिर में प्रेमी प्रेमिका स्वजनों के सामने शादी की। पकड़ कर रखिएगा जरा सर, पकड़ कर रखो ना, इधर देखिए भैया, थोड़ा सा इधर बोलिए बोलिए। सुबोध कुमार सिन्हा बोलिए। अहम काजल कुमारी, काजल कुमारी। सपत्नी, सपत्नी। रूपेन, रूपेन। धारी, धारी। अर्थ लड़का बाप को भैया। चलिए अच्छा है, समाज के लिए एक संदेश जाएगा कि दहेज शादी हो रहा है और दोनों बालिग है, लड़का अपना कमा खा रहा है। लड़का का सरकारी नौकरी है, और यहाँ प्रेम विवाह आज यहाँ पे शादी करवाए हैं। हाँ अब क्या है, दोनों जब राजी तो फिर क्या करना, हम लोग को तो दोनों मिलाने का काम करना था। लड़का कहाँ का रहने वाला है? बाबू जी। और लड़की? लड़की है वो नवाड़ी। मैं काजल से मतलब उसके सहमति से, उनके पूरा परिवार अपने परिवार के सहमति से शादी किए हैं, और महिला थाना के में आया था, और यहाँ पे मंदिर है बगल में शिव मंदिर, वहाँ पे मैंने शादी किया हम लोगों ने, और लोगों के जो अगल बगल के लोग उन्होंने भी साथ दिया, हम लोग का शादी करवाया। कितने दिन से प्रेम विवाह चल रहा है? प्रेम 12 साल से। आखिर इस साल 2023 में कितनी खुशी है? वैलेंटाइन डे के दिन में शादी करके कैसा लग रहा है? मोहब्बत का अच्छा लगा। क्या क्या बोलना चाहेंगे, कैसे प्रेमी प्रेमिकाओं को क्या देना चाहेंगे मैसेज वैलेंटाइन में?